गिरी जावेला बाकी दूजो कोई मौको नहीं है गौदान देने को। दूजो ससिंग अलावा कट दे सको आप, क्योंकि बस में बैठा रहा उठ गौशाला री पेटी आई उठे थे 200 थोड़ी दे सको, मेरी गारंटी आप 200 नहीं दे सको। उठे हमारो एक रो सीखो, 99% लोगों की इंडियन लोगों की यही थोरी होती है कि गौशाला री पेटी आवे ना रोडवेज में गौदान के ठालो बोलो रिव्यू हमारे सीखो। इन्हें पूछे सपा करना तू 35,000 दिया अपन टैक्स में फाड़ना क्यों था नहीं तो लंबो उठे तो 35,000 दिया हॉस्पिटल ने क्यों बाप छोटे को नहीं रिप्यू हुई गौशाला में हमारे एक रो सीखो वारे कसाई शरम भाई रो मीने एक रो सीखो हमारे पेटी में क्यों 2,000 नोट में करंट आवे है नीति भाई रो हैंग रात बेटी लियोड़ और गायन लड़ दौड़े कॉपी 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 थारी माँ भी दमक आवे खोड़ी ला आखी रात गायरा रब काट दे ला रहे होटल लियोड़ अबे नवा नवा कसाई जलमिया गायन लड़ मोटरसाइकिल ना दौड़ाने दौड़ी आई गेरा बांद्रा मुसाण मरे को नहीं छोका छोका ने बूटा चेवड़ ले जाए को ले जाए ना गायन लारे गाड़ी दूर शर्माने की बात मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को कच्ची बरा फटक मुंजा रेल आवे हल्दी दे तेरी समर खुदर ले जा बिकेट दे टुकड़ा। मैं तो खरी बोलता हूँ कोई नहीं खारी लागे 6 लाख नींबू पी लीजिए घर जा या फिर 2 इनो पी लेना ठंडे पानी में फ्रिज में गाड़ भरी बोतल हल्दी देती। मैं तो याद रखना जो गाय के पीछे गाड़ी दौड़ाता उसको सजा आप खुद दोगे क्योंकि आप खुद भारतीय है। ये गौ माता साहब ईरे माते अत्याचार नहीं मेरे डाला क्योंकि ये गौ माता है। अरे भैंस गमगी वे तो हगड़ा कर का रोटी को खावा इतना 1,000 रुपया लागे उन्हें जोटी का लोग रोटी छोड़ दे रोटी भैंस के कारण एक टाइम दूध नहीं कटावे ना जोटी है लुगे बिलकी बिलकी उजे ही है मारी जोटी को दुआड़ी क्यों बदर भाई जोटी ला रहा है गाया रोडा में तो प्लास्टिक थैलिया खाती पीरे साहब बड़े शर्म की बात है। अपने अपने आप में बहुत बड़ी शर्म आती है कि अपना जन्म भारत में हुआ है। आज गाय माता तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रही है। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा ये कंस ने जो गायों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया जिसका नाम था राधेश्याम शर्मा जो राजस्थान पुलिस में सर्विस करता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, अरे मर जाना चाहिए ऐसे को कुएं में जाके कहीं जाति का ब्राह्मण होकर गायों की तस्करी करता है साड़ा हरामी यार नौकरी करता पुलिस की हट फूकता हूं मैं तो ऐसे आदमी को पठुत जो हरियाणा में गायें ले जा रहा था गाड़ी में डाल गया। बड़े शर्म की बात है यार गौ माता थोड़ी शर्म करें आप अपने आप में। मैं तो खुद अथारे बड़ो हूँ थोड़ी मैं हूँ जड़ जड़ा हर गांव में चार चार पांच पांच जना बने ना मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी गाय रोड पे नहीं मिलेगी आपको। एक घर में एक गाय जरूरी है। यदि आपका जन्म भारत में हुआ यदि आप हिंदू सनातन संस्कृति ने मानो तेजा जी ने जय बोलन में तो हाथ ऊंचा गणाई करा है गाय आड़ी बारी आवे जड़े है मारे तो भैंसे ही दौड़ी मावे ओला में एक टाबर 3 टाबर गए 4 जन्म गावे तो बिना घरों बारे काटेगा 4 भैंसे ही तो राखा पा एक गाय राख ली तो सजनो मैं गारंटी लेता हूं उस परिवार में कभी कहीं कलह नहीं होगी क्योंकि जटे गऊ माता है बट कोई चीज रो घाटो नहीं है। इसलिए थोड़ा गाय पे विचार करें मेरी बात थोड़ी खारी लागे इन्हें सुबह थोड़ा विचार कर जो क्योंकि मैं तो जिन्हें प्लान ने ले निकले वो प्लान जरूर भगवान गऊ माता पूरा करी यार। 7 नवंबर 2021 को बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक गौ माता के लिए राष्ट्रमाता घोषित कराने का जो हमने बीड़ा उठाया 7 नवंबर 2021 दिल्ली में बहुत बड़ा मां सम्मेलन होगा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का और गौ की जो गौचर जमीन दबियोड़ी है उसको छुड़वाने का बहुत बड़ा सम्मेलन होगा दिल्ली में और आप सबको दिल्ली चलना है गौ माता के लिए। चलेंगे ना मेरे साथ काको हार गियो है पाटा काट दे पाटा घना दिन बदावना में टांगड़ा फादरा कर चतुर्दास जी बना है जब तो बारे कहा हीरू रो तेल रगड़ी लेड़का ठोक ठोक लंबा लंबा हाँ। इसलिए थोड़ी गौ माता कृपा राखे साहब मेरा काम भजन गाने का नहीं है। हाँ जन्म मेरे जाट जाति में भी हो मैं गौ माता रो भक्त हूँ सिर्फ गायों के लिए बोलूंगा। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया रख जाए 500 रुपया संदीप जी झुंझुनू 500 रुपया महेंद्र जी झुंझुनू आपकी ओर से गौ माता के भेंट दिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। 500 रुपये हनुमान जी चौधरी जोधपुर से लाइव देख रहे हैं कम है हाँ केटर से खानोपुर से जगह हाँ ठीक है धन्यवाद। 1151 रुपया देखो विदेश में लोग बैठा है चौधरी साहब आपरी जागरण ने लोग विदेश में सुन रिया इटली सोनिया जी पीर में राहुल गांधी जी नानेराम बैठा है देखो कृपा देखो ताले बजाए जोरदार भाई ब्रह्मदेव जी जांगीड़ जो अभी इटली से लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव जी किसा कैमरा मो भागड़ा में देख लियो 1100 रुपये आपके गांव की गौशाला में भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद।
1151 रुपया मेरे बड़े भाई साहब ब्रह्मदेव जी जिनका रोज का नियम है, मैं महीने में 28 जागरण देता हूँ, 28 जागरण कंटिन्यू देता हूँ, चाहे फागण है चाहे चेत है चाहे पेशा आ गया, 28 दिन तो गाना ही गाना, और भाई साहब रो नियम है 28 दिन 1151 रुपया भेजना। अब बोलो रोज रहा 1151 रुपया भेजे देना, समझ लो मैं कमावे किता पारी कोनी, पण सजनो कमाई तो घणी वे देवनाळो सही दे, कई लाखों करोड़ो कमावे पण गौशाला टाइम शिको अमाड़े ले शिको ले, ओ भगवान कमाई बाने दीवी है सॉरी बे छोगराम जी परिया, हाँ पाली निवासी अभी मुंबई में है, बहुत बहुत धन्यवाद। 600 रुपया बोल जी नारायण जी गांव राजापुरा, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, मांगो तो जीव हरो वे गया रे आऊं दे बस वो पैसों टोटल आप रहते गौ की बात को गोविंद सन्यासी बोला चलो निर्मल ना करो, अरे चलो निर्मल ना सारी बात को चलो निर्मल नाथ को आको सारी बात करो आको सारी बात करो, ओ हो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो अजमलगर अवतार की, राम जी मिल जासी नेचो राख जो सारी बात रो विश्वास राखनो पड़े, क्योंकि 4 महीना मूंग भवा तो विश्वास राखा, आज बीज बीजियो तो काल सुबह फलिया लागबाली कोनी, 4 महीना तक वेट करनो पड़े, जने भगवान परमपिता परमात्मा वो लाटो आवे ने पे आवे अपना घर में नयो दान आवे, तो आज भजन करना शुरू करिया ना तो मन में वो खरखरो नहीं राखनो कि मारा 500 रुपया दिया तो मने काले पाचा 50,000 मिले, हाँ मिली, लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है तू मोहे कान ढूंढ तो फिरे बंदा मैं हूँ तेरे पास में, अरे नहीं बैठो मैं मथुरा में, नहीं बैठो कैलाश में, नहीं बैठो पाताल में, नहीं बैठो आकाश में, हे अगर दिल में सच्चा विश्वास तो बंदा मैं हूँ तेरे पास में, भगवान अपने विश्वास में बैठा है, आप चाहे मंदिर में जाओ चाहे काशी में जाओ चाहे मथुरा में जाओ भगवान तो एको एक है, चाहे रामदेव जी ने दाओ चाहे देव जी महाराज ने दाओ चाहे बाबू जी ने दाओ चाहे माता जी ने दाओ चाहे बालाजी ने दाओ, सबनों जाना तो सबको भगवान के घर में है, भगवान का रूप अलग अलग है लेकिन भगवान एको एक है, कई एक पूंछड़ो पकड़ बैठ जाए कई जाटियां घर घर लिया फिरे, कई भगवान ने छोड़ दिया यार बस, जिन्हें नहीं धानो भी नहीं ले हर हो गया, महात्मा कबीर साहब ने बिल्कुल खंडित किया बात को कि भैरू जी से बेटा मांगे अजय सुत के साथ है आपरा पुत्र के कारण घड़ा ओरा को काटे आ दुनिया भोली है भोली पर घर खेले होली, दूसरा ने घर होली खेलने जाए पर घर में तो डांडो ही रोपियो कर दे, नहीं पहले अपने खुद के गठे को संभाला मैं कौन हूँ, कबीर साहब ने बाहर घूमने के लिए गया कबीर साहब पाचा घर आया लोग माने पूछो कबीर साहब ये दुनिया में सबसे बड़ा बुरा कौन है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हरदिंद राम जी फौजी साहब आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर आओ बिराजो साहब 500 रुपए श्रीमान हरदिंद राम जी मेहरिया गांव गोरडी आपकी ओर से गौ माता के सपने में बैठ, बहुत बहुत धन्यवाद, रात्रि भजन संध्या आपके गांव में हुई 200 रुपए जयराम जी ज्ञानाराम जी जयराम जी ज्ञानाराम जी हरदीना राम जी तीन भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रात को जाकर हरदीन जी के घर पे था और गोदान की राशि आई 85,000 रुपए लगभग 85,000 रुपए, परसों मेरा जागरण था जेतन के पास आसरलाई गांव में गोदान की राशि आई 11,25,000 रुपए, आसरलाई से एक दिन पहले था मेरा जागरण बाड़मेर में गोदान की राशि आई 31,00,000 रुपए, उससे एक दिन पहले का जागरण था गोदान की राशि आई 55,00,000 रुपए, उससे एक दिन पहले का जागरण था गौदान की राशि आई 1,25,000,000 रुपए, एक रात में 1,25,000,000, अब देने वाले आप हो, मैं तो खाली मांग वाला हूँ, मैं सिर्फ मांगता हूँ, मर जाऊँ पर नहीं मांगू तन अपना रे काजा यार परमार्थ रे कारण मन को नहीं आवे,
1% लाज को ना दगलारी जब मैं भाड़ दूं, मैं तो गायों आवाज था, सिर्फ गायों के लिए जिंदा हूं और जिंदा हूं तब तक गायों के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि ये गौ माता की जो शक्ति मिली है माने बोलने की, ये परमपिता परमात्मा और माता पिता और गुरुदेव का जो समागम मिला है। पूनाराम जी उप सरपंच गांव कोलिया, अपनी तरफ से 500 रुपए गौ माता के भेंट, धन्यवाद। 101